Here is the recipe for Daliya Upma. Let's get started. So this will be the final look of our Daliya Upma. Very tasty. Ingredients में हमें 1 cup टमाटर, 1 cup शिमला मिर्च, 1 cup दलिया. इसके साथ हमने अदरक लहसुन लिया है किसा हुआ, हरी मिर्ची, मूंगफली दाना, देन जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, मैगी मसाला पाउडर यहाँ पर मेरे पास था, लौंग और खड़ा गरम मसाला, 1 glass वाटर. देन मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाला है, उसमें मैं सारे खड़े गरम मसाले डालूंगी. इसमें लौंग, ज़ीरा, तेज़पत्ता, काली मिर्चें, इनको अच्छे से सॉटे करेंगे. नेक्स्ट हम इसमें मूंगफली डालेंगे, इसको भी भूनेंगे. नेक्स्ट हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे एंड इसे सॉटे करेंगे 1 to 2 minutes के लिए. अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे एंड इसे भी हम सॉटे करेंगे 5 मिनट तक. अब हम इसमें दलिया ऐड करेंगे एंड इसे स्लो फ्लेम में मैक्सिमम 5 से 6 मिनट भूनेंगे. इसमें हम हमारे ड्राई मसाले डालेंगे. आपके पास यहाँ पे अगर पाव भाजी मसाला हो या सांभर मसाला हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं. शुगर ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है. हम इसमें पानी डालेंगे, जितना हमने दलिया लिया है उसका डबल क्वान्टिटी में हम पानी डालेंगे. तो 1 कटोरी में 1 glass पानी फुल. जैसे ही बॉयल आता है फ्लेम स्लो कर देंगे. सो हेयर इज द फाइनल लुक. सो आई होप आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.